नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी। आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्हासनगर शहर में आज 25 जुलाई को 104 नए मामलों की जानकारी मिली है। इसी के साथ शहर में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6374 पहुंच चुकी है। वहीं एक संतोषजनक बात यह है कि जहां 104 नए केस आए हैं, वहीं ठीक होने वाली मरीजों की संख्या 221 है। इसी के साथ शहर में अब तक 4333 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 109 पहुंच चुकी है। इस समय शहर के 1932 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 495, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 229, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 113 व होम आइसोलेशन में 610 और उल्हासनगर मनपा क्षेत्र के बाहर 485 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज जिन 104 मामलों की जानकारी मिली है, उसमें कैंप नंबर 1 से 12 मामले शामिल हैं, जिसमें तेजूमल चक्की रोड परिसर से 1, मह सोसाइटी रोड परिसर से 1, साईं बाबा मंदिर के सामने 1, कैम्ब्रिज शोरूम के सामने 1, साधुबिला स्कूल के पास 1, तानाजी नगर परिसर से 1, साईं दर्शन अपार्टमेंट परिसर से 1, गोलमैदान परिसर से 1, हीरापन्ना अपार्टमेंट परिसर से 2, शहाद गांव परिसर से 1 व प्रियदर्शी अपार्टमेंट परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं आज कैंप नंबर 2 से 3 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें मच्छी मार्केट खेमानी परिसर से 1, अमन टाकीज रोड परिसर से 1 व उल्हासनगर 2 का 1 और मामला बताया जा रहा है। वहीं आज कैंप नंबर 3 से 26 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें पंजाबी कॉलोनी परिसर से 2, दशहरा मैदान परिसर से 1, जसलोक स्कूल के पास 1, 18 सेक्शन परिसर से 1, नंदवानी अपार्टमेंट कवाराम चौक परिसर से 2, सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सामने 3, 20 सेक्शन परिसर से 1, रीगल मेडिकल स्टोर के पास 1, सियादरी नगर परिसर से 1, नानानी गार्डन परिसर से 1, महात्मा फुले नगर परिसर से 1, ओटी सेक्शन रोड परिसर से 2, सी ब्लॉक रोड गुरुद्वारा परिसर से 1, जवाहर पापड़ आटा चक्की 20 सेक्शन परिसर से 3, दशहरा मैदान सेक्शन 23 से 2, सिंधुयुग सर्किल के सामने 2, सपना गार्डन के पास का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं आज कैंप नंबर 4 से 37 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें सुभाष टेकड़ी परिसर से 4, मराठा सेक्शन परिसर से 6, गोकुल नगर नेताजी स्कूल के पास परिसर से 1, महावीर हॉस्पिटल के पीछे 1, नेशनल कॉलेज के पास 1, कोला कैंप रोड परिसर से 2, गागन बालानी मार्ग परिसर से 1, 25 सेक्शन परिसर से 1, न्यू ममता अपार्टमेंट परिसर से 1, विठलवाड़ी पुलिस लाइन के पीछे से 2, शंकर कॉलोनी परिसर से 1, नालंदा स्कूल के पीछे परिसर से 1, लालचक्की चौक परिसर से 3, महावीर हॉस्पिटल रोड परिसर से 1, 29 सेक्शन परिसर से 3, 28 सेक्शन परिसर से 1, मार्लेक्स कंपनी के पास परिसर से 3, 26 सेक्शन परिसर से 1, चार मीनार टाइल्स परिसर से 3 मामले बताए जा रहे हैं। वहीं आज कैंप नंबर 5 से 18 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें 40 सेक्शन से 1, कैलाश कॉलोनी परिसर से 1, बाटिया हॉस्पिटल परिसर से 3, गायकवाड़ पाड़ा परिसर से 2, वीर तानाजी नगर परिसर से 1, नेताजी टेकड़ी परिसर से 1, गांधी रोड परिसर से 1, 35 सेक्शन परिसर से 1, 39 सेक्शन परिसर से 2, आकाश कॉलोनी परिसर से 1, नेताजी स्कूल के पास 1, 36 सेक्शन परिसर से 1, प्रभाराम मंदिर के पास 1 व मानेरा गांव परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न परिसरों से 8 और मामलों की जानकारी मिली है। टाउन दर्शन इसी तरह से आपको रोज अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।